उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के महाराजा की खेड़ी गांव की रावत बस्ती में रहने वाले लोग कई सालों से शमशान घाट पर जाने के लिए पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक नहीं सुना है। उदयसागर झील का पानी बेड़च नदी के रास्ते अन्य कस्बों में जाता है और रावत बस्ती का शमशान घाट बेड़च नदी के उस पार है। रावत बस्ती में रहने वाले तकरीबन 150 परिवार हमेशा यही दुआ करते हैं कि उनके यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है, जो कि विकसित प्रदेश के दावों की पूरी तरह पोल खोलता नजर आता है। ग्रामीणों ने एक शव यात्रा का वीडियो बनाकर मीडिया तक पहुंचाया, जिसमें दिखाया गया है कि कितनी जद्दोजहद के बाद यहां के लोग पार्थिव देह को शमशान घाट तक पहुंचाने में सफल होते हैं। कई बार तो पानी ज्यादा होने से शवों को तैरकर रास्ता पार करवाया जाता है। बस्ती वासियों की इस परेशानी पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। के उस तरफ पे हमारा पंचायत है, इस तरफ दरोली होती रहती है। जब हम किस हमारे शमशान इस तरफ है तो हमारे शमशान में आने के लिए बीच में नदी पड़ती है। नदी के अंदर हमको पुल की ज़रूरत है। हम कई सालों से इस पुल का प्रमेश कर रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, गांव वाले को बोल रहे हैं, सरपंच को बोल रहे हैं कि हमारा पुल बना दो, पुल बना दो। हमारे शमशान में जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो आज दिन तक न गांव वाले सुन रहे हैं, न सरपंच सुन रहा है। जो रावत बस्ती में पुलिया की बात हो रही है, और पहले भी इसमें काफ़ी प्रयास हुए हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि पुलिया बननी चाहिए, और ताकि गांव वालों की जो समस्या है उनसे निजात मिल सके। और नदी है यहाँ पे, जो अपनी बेड़स नदी जो उदय सागर से निकल रही है उसके ऊपर पुलिया होके बननी है। इसका कुछ हमने PWD से भी पहले कदरों को मौखिक रूप से बताया था, तो उन्होंने भी कुछ इसके लिए प्रयास किए और मौके पर भी आए, उसका वो भी बना के दिया, उसका पूरा है और बन जाए बहुत जल्दी, ताकि गांव वालों को समस्या निजात मिले।